दवा से नींद नहीं टूटती तो घड़ी सिरहाने रखकर सोने से क्या फायदा? उठो, चाय लाई हूँ। ए, चाय ठंडी हो रही है, उठो ना। उफो, तुम ऐसे नहीं उठोगे। क्या कर रही हो? जल्दी चाय पी लो, मैं तुम्हारे लिए नानी का पानी गर्म करती हूँ। सुनो सुनो राधा। क्या? वो चाय की प्याली मेरे मुंह के नजदीक ले आओ। क्या? सर्दी के मारे हाथ बाहर निकाले कुछ ही नहीं चाहता। नहीं नहीं, सुनो है प्लीज। उफो। मजा आ गया, और भी मजा आ जाए अगर तुम मुझे अपने सीने से लगा लो। कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे। अब हाथ बाहर निकालने में तकलीफ नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब जिसके लिए हाथ बाहर निकाले वो चाय से भी ज्यादा मीठी। बड़ी बेशरम हो तुम। हाँ, कभी कभी बन जाता हूँ। अच्छा एक बात बताओ राजा, तुम्हें इतनी सुबह ठंडे पानी में नहाने में तकलीफ नहीं होती? अरे वाह, बिना नहाए भी कोई भगवान की पूजा करता है? इसीलिए तो मैं कहता हूँ। क्या? कि जो भगवान में विश्वास रखते हैं उनका ये जरा ढीला होता है। अरे चिढ़ती क्यों? छोड़ो मुझे, कहाँ लोग सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हैं और एक तुम। मैं भी तो वही कर रहा हूँ। जिस तरह बिना नहाए भगवान की पूजा नहीं की जा सकती, उसी तरह बिना उसका नाम लिए उसे गाली नहीं दी जा सकती। अरे सुनो तो, राधा, आती हूँ बाबा, आती हूँ। क्या आती हूँ? क्या मिले मैंने कम्बत कहाँ चला गया? हजार मरतबा उसने कहा कि मेरे जूते मोजे में रखा करे, लेकिन वो मर गया। अभी 6:30 आ जा, अपनी नौकरी दे। अरे राधा, क्या हुआ? मेरा सर, मेरा वो कान। वो क्या है? वो क्या, वो तेरे की उसका नाम भी भूल गया, वो मेरे मोजे का। मोजे? हाँ। हंस क्या रही हो तुम? मोजे तो तुमने पहने रखे। अरे हाँ, अच्छा वो मेरे कहाँ है? वो जो जो ये कितनी मरतबा कहा तो मुझे 5:30 बजे, 5 बजे उठाया करो। बस बस बहुत हुआ, अब मुझे दो। अरे आप जल्दी करो ना, कब के 6 बज गए? आज अगर मैं जरा से भी देर से गया तो छुट्टी हो जाएगी मेरी। मुझे तो लगता है वो इंजीनियर मुसीबत साहब रात को सोता ही नहीं है। जितनी भी जल्दी जाओ वो पहले से ही मौजूद है वहां पर। कल मैं आधा मिनट लेट गया तो जानती हूँ क्या कहते हैं? हम इंडियन लोग टाइम की कीमत नहीं जानते। हम इंडियन लोग ये नहीं जानते, हम इंडियन लोग वो नहीं जानते। जब भी उसके सामने जाओ ऐसा लगता है अभी खा जाएगा तुमको। इसलिए तो मैं कहती हूँ, क्या घर से निकलते वक्त भगवान का नाम लिया करो। हाँ, फिर गालियां सुननी नहीं पड़ेगी, हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी, समझी? तुम तो यही कहोगे, नास्तिक हो ना? विनोद बाबू को देखो, भगवान की पूजा किए बिना पानी भी नहीं पीते। इसलिए तो एक साल में 2 दफा तरक्की हुई उनकी। तुम्हारे भगवान के लिए? और नहीं तो क्या? जी नहीं, उनके वहां लड़का पैदा होने के बाद उनको प्रमोशन मिली। सब लोग कहते हैं वो लड़का उनके लिए बड़ा भाग्यशाली है, और एक हम बदनसीब हैं कि राजा अगर भगवान का नाम लेने से ही सब कुछ होता तो आज तुम्हारी गोद खाली नहीं होती, तो तू दिन रात उसके सामने सर पीटती रहती हो। राजा, राजा, अरे ये क्या? पकड़ी कहेंगी? तू मजाक कर रहा था? मुझे कोई बच्चा बच्चा नहीं चाहिए। जिसकी तुम हो राजा, उसे और क्या चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? ये झूठ तो नहीं, मैं तुम्हें आज। अरे गोली मारो ऐसी संतान को जिसके ख्याल से मेरी राजा रानी की आंखें नम हो जाए। अब एक मीठी मुस्कुराहट दे। छोड़, पहले हंसो। छोड़ो, देखो अगर तुम नहीं हंसोगी तो मैं गुस्से के मारे भगवान का नाम लेना शुरू कर दूंगा, वो भी क्या याद करेगा? नहीं हंसोगी तो उसका नाम लेना ही पड़ेगा। हे भगवान, अब देर नहीं हो रही। नहीं, तुम पहले सारे थे तो यही बच गए, बाहर में जाए तुम्हारा भगवान। अरे ये सब तो लेके जाओ। लाला, ये रुमाल, ये खाना, और वो क्या
मर गया गया ना सुना। सुबह ही सुबह भगवान का नाम लिया, भगवान की तो साढ़े छह मर गया। ठीक है रामदयाल, मगर जब इंजीनियर साहब पूछेंगे कि मेघदूत के इंजन के काम पर कौन था तब क्या होगा? इंजीनियर साहब तो जरूर पूछेंगे जी, और फिर कभी माफी नहीं करेंगे जी। पर ये क्यों नहीं समझते हो कि ये मेरी नौकरी का सवाल है? अगर तुम लोग मेरा नाम नहीं बताओगे तो इंजीनियर साहब को पता कैसे चलेगा? देखो रामदयाल, ये कोई नहीं चाहते कि तुम्हारी नौकरी चली जाए। मान लो इंजीनियर साहब के पूछने पर हम लोग चुप भी रहे, मगर निर्मल बाबू वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ जी, ये इंजीनियर साहब भी जानता, तुम देख लेना, सबसे पहले वो निर्मल बाबू से ही पूछेगा। मैं निर्मल बाबू से खुद कहूंगा, उनसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि कुछ फायदा नहीं होने वाला। निर्मल बाबू को हमसे अच्छा कोई नहीं जानता, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो आगे आगे जी आवाज है भाई, आज सुबह ही सुबह मीटिंग क्यों? टेस्ट पायलट ने इंजीनियर साहब से कंप्लेन की है कि मेघदूत के इंजन में जो गड़बड़ी थी वो मैकेनिक की लापरवाही से हुई। इंजीनियर साहब ने आपसे कुछ कहा? नहीं नहीं निर्मल बाबू, अभी तक इंजीनियर साहब को पता नहीं चला है कि मेघदूत के इंजन पर किसने काम किया था, पर वो इंक्वायरी जरूर करेंगे। और सब लोगों ने कहा है कि वो लोग चुप रहेंगे अगर आप भी। क्या बात कर रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इंजीनियर साहब मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं इनसे झूठ के निर्मल बाबू, ये मेरी रोजी का सवाल है। मैं जानता हूँ रामदयाल जी, लेकिन मैं खुद सोचते इंजीनियर साहब इस बात को इतना सीरियसली ना ले। इंजीनियर साहब और सीरियसली ना ले, अभी वो तो जाएगा। तो चलो मैं काम पे शुरू। निर्मल बाबू, आपको इंजीनियर साहब ने बुलाया है। दोस्त की नौकरी चली जाएगी तो मुझे बहुत अफसोस होगा, लेकिन रामदयाल जी मैं झूठ नहीं बोल सकता। I don't want any explanation. I want work to be done in time. जाइए, शाम के 4 बजे तक ये फाइल कंप्लीट करके लाइए। Lazy goats. Good morning, sir. Good morning. आपने मुझे बुलाया सर? निर्मल? Yes? Sharma wants to see you, sir. No, no, I can't meet him now. He said it's very urgent. I told you I can't meet him now. Can't you understand English? Nonsense. तुम्हारी शादी में कितने साल हुए? जी? मैं समझा नहीं। क्यों? हिंदी नहीं समझते हो क्या? मैंने पूछा तुम्हारी शादी हुए कितने साल हुए? 5 साल। तुम्हारी इंजीनियर दीदी कह रही थी तुम्हारे कोई बच्चा बच्चा नहीं है? जी नहीं। कभी किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया? जी किया तो था, मगर डॉक्टर वर्मा गायनेकोलॉजिस्ट मेरा साला है, वो अभी अभी फॉरेन से आया है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे टेलीफोन करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेता हूँ। तुम अपनी बीवी को लेकर वहां चले जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपने क्या मुझे इसलिए यहां बुलाया था? अब तुम जा सकते हो। निर्मल? यस सर। आई अप्रिशिएट योर एटीट्यूड, मगर रामदयाल से कह देना आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए।
और अगर हुई तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर हिम एनी मोर. गो प्लीज. आई सेड यू कैन गो. मैं तो पहले ही आप लोगों से कह रहा था कि शायद इंजीनियर साहब इस बात को इतना सीरियस नहीं ले. हाँ लेकिन उन्होंने मुझे आपसे कहने के लिए कहा है कि आइंदा ऐसी गलती ना हो. और सचमुच रामदायक जी हमारे इस काम में ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए. तो आपने मेरा नाम बता ही दिया. नहीं जी उन्होंने तो मुझे अपने कुछ काम के लिए बुलाया था. आपके बारे में तो उनको पहले से ही मालूम हो गया था. लेकिन एक बात समझ में नहीं आती यहाँ की सब बातें उनको पहले से कैसे मालूम हो जाती. चलो यार काम चलो. इंजीनियर साहब ने आपको क्यों बुलाया जी. वो बाद में बताऊं. कोई खास बात ये निर्मल बाबू काले बाबू आजकल दिखाई नहीं देता. उसका क्या खबर है जी. कौन प्रीतम. वो होगा किसी चक्कर में किसी साधु संत के पास अपनी दीदी के लिए तावीज गंडे इकट्ठे कर रहा होगा. या हो सकता है अपनी ही शादी के चक्कर में पड़ा हो. तेरा दिमाग जरूर खराब हो गया है तू. क्यों. अरे तू अपने जीजा जी को नहीं जानता. ये बात अगर मैं उनसे कहूंगी तो वो मुझे घर से नहीं निकाल देंगे. मगर दीदी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ. ये साधु महाराज तो दुनिया जमाने से निराले हैं. दीदी मैं तो कहता हूँ साधु महाराज के अंदर जरूर कोई दैवी शक्ति है. हाँ शायद तेरी शादी का दिन नजदीक बताया होगा. अरे नहीं दीदी यही तो एक साधु महाराज मिले हैं जिनसे मैंने शादी की बात पूछी तो मौन धारण कर लिया. है दीदी दीदी जैसे भी हो जीजा जी को राजी कर लो ना. ना बाबा ये मुझसे नहीं होगा. प्लीज दीदी मैं साधु महाराज से प्रॉमिस कराया हूँ. तो मैं क्या करूँ. तो खुद ही क्यों नहीं मना लेता उनको. कौन मैं. दीदी अब तो दिमाग तुम्हारा खराब हो गया. मैं और जीजा जी से ये बात कहूँ. दीदी तुम्हें तो शायद जिंदा घर से निकालते. मेरी तो लाश ही निकलेगी. क्या अनाप शनाप पकने लगे. अनाप कहो या शनाप कहो मैं कुछ नहीं जानता. तुम्हें जीजा जी को लेकर मेरे साथ साधु महाराज के पास चलना ही होगा. मैं कारखाने से छुट्टी मिलते ही सीधा घर पर पहुंचूंगा. बस मगर तू क्यों नहीं. अगर मगर मैं कुछ नहीं जानता. जल्दी से फर्स्ट क्लास एक चाय बनाओ. बोलते बोलते मेरा गला सूख गया. बैठना थोड़ी देर. इतनी जल्दी ठीक क्या है. चाय पीते ही खिसक जाएगा. बैठा हूँ बैठा हूँ. अब चाय पिए बिना ही खिसकना पड़ेगा. आ गए वो. अरे पीतू पीतू सुन तो. की वंदना हो. तुम पीछे के दरवाजे कैसे आ गया जी. डर के मारे हमारा तो हाथ में हो गया था जी. अरे डर के मारे तो मैं भी वहां से आया हूँ चाय छोड़कर. और तुमने मुझे यहाँ आटा क्या दिया. अरे क्या जल्दी से कॉफी पिलाओ. अभी पिलाता है जी. आज ही मोहन बाबू से तुम्हारा बात कर रहा था साला बाबू. फिर वही साला बाबू. अरे तुमको कितनी मरतबा मैंने मना किया मुझे साला बाबू मत क्या करो. अरे भाई मैं तुम्हारा साला थोड़ी हूँ. गुस्सा क्या क्यों करता है जी. हमारा दोस्त का साला हमारा भी साला. हाँ जी सारी दुनिया का साला. अरे मुझे तो कोई जोरू का भाई नजर नहीं आता कि जो अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में दे दे. हमको मालूम तुम शादी के लिए बहुत दुखिया जी. निर्मल बाबू भी हमको ऐसा बोला. तो क्या हुआ. देखो भाई हमारा बहन तो कोई नहीं है हमारा लड़की है. बोलो तो उसके साथ तुम्हारा शादी कर सकता है. लड़की. कितनी बड़ी लड़की है. 11 साल की. अरे गोपाला स्वामी शादी ब्याह के मामले में भी तुम मजाक करते हो. कानून जानते हो. तुम तो लड़की का कन्यादान करके छुटकारा पा जाओ और मैं अंदर बड़े घर में चक्की पीसूं. है अरे नहीं जी हमसे ऐसा मजाक किया. नहीं तो हमारा लड़की का शादी तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है जी. हम आंध्र प्रदेश का तुम हिंदुस्तानी. काली नहीं देना. हम हिंदुस्तानी नहीं है हम बंगाली है. गलती हो गया जी. हमको भी कोई हिंदुस्तानी बोले तो हमको बहुत गुस्सा आता है जी. तो गुस्सा नहीं आएगा. तुम बैठो हम अभी तुमको डोसा बना के खिलाएंगे जी. अरे भाई ये कुछ बात हुई ना गर्म गर्म. जल्दी की सरबराज. नहीं 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 मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी. वो तुम समझती क्यों नहीं. इंजीनियर साहब ने खुद बुलाकर मुझसे कहा था अगर हम नहीं गए तो वो बुरा नहीं मानेंगे. वैसे वो मुझे कर बड़े गुस्से वाला आदमी.
ऊपर से डॉक्टर इंजीनियर दीदी का भाई है, अभी अभी विलायत आया है, बहुत बड़ा डॉक्टर है वो। मगर मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? वो लोग सब बुरी बुरी सवाल पूछते हैं, गंदी बातें कर। क्या हुआ? मैं चल सकती हूँ मगर एक शर्त है। वो क्या? तुम्हें भी मेरे साथ एक जगह जाना पड़ेगा। हाँ। पहले बताओ, जाओगे? अच्छा बाबा, जाऊंगा। सच बोल रहे हो? तुम जानती हो राधा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। डॉक्टर के पास जाने से पहले तुम्हें मेरे साथ एक साधु जी के पास जाना पड़ेगा। क्या? तुमने वचन दिया। वो ये तुम्हारे साधु संतों से कुछ नहीं होने वाला, तुम समझती क्यों नहीं? देखो, तुमने वचन दिया है। अब प्रीतम आया था? हाँ। तुम्हारी आवाज सुनते ही भाग गया। मेरा ख्याल है वो गोपाल जी के क्वार्टर में होगा। गोपाल जी के? प्रीतम मर गया, दीदी का भी जवाब नहीं। अरे आया जीजा जी। आइए जीजा जी, आओ दीदी। देखिए देखिए कितनी शांति है यहाँ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो महाराज। प्रणाम महाराज, दोनों को ले आया हूँ, दोनों को ले आया हूँ। आपका तेज एक नास्तिक को भी खींच लाया। हाँ नहीं बेटी नहीं, मैं किसी का प्रणाम नहीं लेता। आराम से बैठो, आराम से बैठो। महाराज मेरे जीजा जी। आओ आओ, खड़े क्यों हो, बैठो बैठो। जी नहीं, ऐसे ही ठीक है। दादा जरा जल्दी करना, डॉक्टर के पास ठीक 5 बजे पहुंचना है। हाँ हाँ पहुंच जाओगे, जरूर पहुंच जाओगे। थोड़ी देर मेरे पास भी तो बैठो, इतनी दूर से आए हो, कुछ खाओ कुछ पियो। आपने यहाँ खिलाने पिलाने का भी बंदोबस्त कर रखा है क्या? क्या बात कर रहे हैं जीजा जी, आपको क्या चाहिए बोलिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रीतम बाबू, आप अपना काम जल्दी खत्म कर दीजिए, मैं बाहर इंतजार। नहीं नहीं बेटा, बाहर क्यों जाओगे, मैं तो सिर्फ तुम दोनों को देखना चाहता था। देख लिया तुम्हें भी और मेरी इस लक्ष्मी जैसी माँ को भी। जाओ माँ, भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम बहुत जल्दी मां बनोगी। महाराज। हाँ बेटी, तुम एक बहुत धार्मिक संतान की मां बनोगी। क्या देख रही है बेटी, तू सचमुच मां बनने वाली है, बहुत नजदीक है वो दिन। साधु जी आप कोई तावीज वगैरह नहीं देंगे? तावीज? अरे बेटा, जिसकी जबान पर और दिल पे हमेशा भगवान का नाम रहता हो, उसे ताबीज की जरूरत नहीं पड़ती। ताबीज तो इंसान को कर्म से दूर हटा देता है, और कर्म के बिना इंसान धर्म भ्रष्ट हो जाता है, और कर्म ही इंसान का धर्म है। और वो धर्म है शायद सिर्फ भगवान की पूजा? नहीं, वो धर्म है इंसान की सेवा करना और इंसान से प्यार करना। बात को समझ में नहीं आई दादा जी। समझदार बहुत हो पर समझना नहीं चाहते हो। प्रीतम कहता था तुम नास्तिक हो, मैं कहता हूं तुम नास्तिक नहीं, तुम विज्ञानी हो, हर बात का सबूत चाहते हो। नहीं दादा जी, अगर भगवान को न मानने वाले को नास्तिक कहते हैं तो मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता। जरूरत क्या है मानने की, तुम संसारी हो, तुम्हें संसार से प्यार है, तुम कर्मी हो, तुम कर्म से प्यार करते हो, और इंसान के रूप में तुम खुद भगवान हो। अरे अरे, 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 अरे ये देखो क्या बकबक किए जा रहा हूं मैं। देखा, भूल ही गया कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है। जाओ जाओ जाओ, बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर है, उससे मिलो। पापा अगर मेरे पति से कोई गलती हुई। साधु जी आपकी सेवा के लिए ये रुपए? मुझे रुपए देना चाहते हो? सोचते हो सारे रिश्ते यही खत्म कर दोगे? ऐसा नहीं होगा, जब तुम्हारे घर लड़का होगा मैं तुम्हारे पास खुद मिठाई खाने आऊंगा, पेट भर के मिठाई खाऊंगा। क्यों, खिलाएगी ना बेटी? Thank you.
जीजा जी, जीजा जी, ये तो बताइए कैसे लगे साधु महाराज? ये महाराज? हाँ, ये महाराज बात तो समझे, लेकिन ये आदमी मुझे जरा पागल लगता है। देखा दीदी। अच्छा ये सब बातें छोड़, तो हमारे साथ डॉक्टर के पास आ रहा है या नहीं? जीजा जी, मुझे साधु महाराज से कुछ प्राइवेट बात करनी है। प्राइवेट? हाँ। अच्छा ठीक है, लेकिन देख संभालना कहीं गेरवा पहन के इनका चेला मत बन जाए। अरे नहीं 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 नहीं। जय साधु महाराज। देखिए मिस्टर मुखर्जी, आप दोनों को चेक करने के बाद मैं अपने तजुर्बे की बिना पर इतना जरूर कह सकता हूं कि ऐसी कोई वजह नहीं कि आपके यहां औलाद ना हो। शी कैन कंसीव एट एनी टाइम, किसी वक्त भी मां बन सकती। मैं कुछ दवाइयां और इंजेक्शन लिख के दे रहा हूं, इनका इस्तेमाल दो हफ्ते तक जरूर कंटिन्यू कीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑल राइट। आपकी फीस? फीस? मिस्टर मुखर्जी, दीदी ने मुझे खुद फोन करके कहा था कि मिसेज मुखर्जी इनकी छोटी बहन, और इस रिश्ते से मैं इनका भाई हुआ, और भाई का बहन से फीस लेना बिल्कुल जायज नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आपके यहां बच्चा पैदा होगा तो मिठाई जरूर खिलाइएगा। जी जरूर। अच्छा नमस्ते। देखिए मैं एक डॉक्टर, और डॉक्टर की हैसियत से जो मेरी समझ में आया मैंने आपको कह दिया, बाकी सब कुछ भगवान के हाथ। नमस्कार। नमस्ते। और राधा? क्या सोच रही हो? तुम्हारे मन में जो बात है उसी के बारे में सोच रही हूँ। मेरे मन में तो तुम हो, और अगर तुम खुद अपने बारे में सोचोगी तो बात नहीं बनेगी। सर अब मुझे सोचने दो। लेकिन अब सोचने को है क्या? उस बुड्ढे साधु का तो मुझे विश्वास नहीं, लेकिन इतने बड़े डॉक्टर की बात तो झूठ नहीं हो सकती। तुम हंस क्यों नहीं हो? इतने बड़े डॉक्टर ने आखिर में ये भी तो कहा कि बाकी सब कुछ भगवान के हाथ में है। ओहो, ये भगवान हर जगह बीच में आ जाता है। इस दुनिया में भगवान के सिवा तुम्हें किसी और पे भरोसा है? क्यों नहीं, तुम पर है, तुम भी मेरे भगवान हो। सो तो है, लेकिन कितने दिन? क्यों? जब मेरी राधा रानी की बगिया में बहार आएगी, एक नन्ना खूबसूरत सा सूरजमुखी मुस्कुराएगा, जिसकी मीठी मीठी मुस्कान मेरी राधा के मन को सुख शांति और संतोष देगी, तो बेचारे कृष्ण जी को कौन पूछेगा? तो क्या हुआ, कृष्ण जी की तो अनगिनत गोपियां हैं। यही तो मुश्किल है राधा, मैं भगवान नहीं इंसान हूं, और इस शरीफ इंसान का इस दुनिया में एक राधा के सिवा और कोई नहीं। हो भी कैसे, आज तक किसी दूसरी लड़की की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। सच कह रहे हो? क्या कहा? आज तुम बहुत खुश हो ना? तुम? मेरी मत पूछो, मैं तो उस दिन के बारे में सोच रहा हूं जिस दिन सारे जमाने की खुशियां सिमट कर मेरी राधा की गोद में आ जाएंगी। गगन छू
महाराज क्यों रे प्रीतम महाराज तीन महीने हो गए आपने कहा था कि दीदी की गोद हरी हो जाएगी लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ महाराज मैं क्या करूं मेरे दिल में जो आया मैंने कह दिया तेरी दीदी को बच्चा नहीं होता तुम मुझे बच्चा बना के ले चल मैं तेरी दीदी को माँ कहूंगा तुझे मामा कहूंगा क्यों रे जीजा जी ने ठीक ही कहा था क्या कहा था नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं मुझे सब कुछ मालूम है पागल का मैं सचमुच पागल हो जाना चाहता हूँ प्रीतम सचमुच पागल हो जाना चाहता हूँ अब एक काम क्यों नहीं करते अपनी बीवी बच्ची को यहीं बुला लीजिए यहाँ कैसे बुलाएंगा जी उधर गांव में थोड़ा जमीन है उसका देखभाल कौन करेगा नहीं तो बीवी बच्चों को छोड़ के इधर रहने को हमको अच्छा लगता है क्या तुम तो जानते हो निर्मल बाबू एक बच्चे के लिए बाप के दिल में कितना प्यार होता है और तुम्हें बताने का क्या फायदा तुम क्या जानो बच्चा क्या होता है हाँ गोपाल स्वामी मैं क्या जानू बच्चा क्या होता है निर्मल बाबू तुम इंजीनियर साहब का साला डॉक्टर के पास गया था ना उसका क्या हुआ जी कुछ नहीं तो फिर तुम हमारा एक बात मानो क्या तुम किसी भगवान के मंदिर में जाके ना मन्नत मानो जी आपका वो कहाँ तेल वाला तो फिर उसको उठा लो और तेल डालो आइए दीदी आइए 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 क्या दूसरा किवाड़ तो खोल मैं तेरी तरह कुछ सूखी बॉम्बे थोड़ी हूँ नहीं, 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 क्या करी दरवाजा खोल मैं अकेले थोड़ी आई हूँ ये सब भी तो मेरे साथ आई है आओ आओ है ये बच्चा किसका है शांति का वो सब सिनेमा देखने गए हाँ और ये बोझ तेरे सर पर लाद गए हैं ओफो अभी मोहल्ले वालों को भी क्या कहूँ अच्छा सुन तो तेरा क्या हुआ मेरे भाई की दवा कुछ काम में आई हाँ नहीं आई तो फिर वो विलायत से क्या सीख कर आया है अरे शर्माती है किसी शर्माने की क्या बात है खास छोड़ो हम लोग बहुत जरूरी काम से आए हैं तेरे पास बोलिए ना अरे बोलिए ना बोलूं क्या आराम से बैठ तू जाने दे पहले मुझे फिर बोलूंगी तू तेरा बच्चों को इनको दे 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 चला यहाँ हाँ खड़े खड़े से मुंह देखती है देख राधा हमारी महिला समिति के नाटक में कुल 5-6 दिन रह गए हैं और टिकट भी बिक चुके हैं अब तो मेरी इज्जत खतरे में है क्यों दीदी अरे वो रमेश पायलट की बीवी है ना कमला वो मीरा बाई का पार्ट अदा करने वाली थी
वो कमबख्त वक्त पर बीमार पड़ गई। अब तो ये काम तुझे ही करना पड़ेगा। क्या कह रही है दीदी, मैंने कभी नाटक किया ही नहीं। जैसे हम लोगों ने बहुत नाटक किए हैं। अरे बहाने छोड़, अब ये पार्ट तुझे ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं दीदी, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा राधा भाभी, तुम हाँ तो कहो, सब हो जाएगा। हाँ हाँ राधा भाभी। अरे देख, ये सब तुझे ही मीरा बनाना चाहते हैं। तू अच्छा भजन भी गा लेती है, और सच तो ये है राधा कि हमारे सारे क्वार्टर में तुझ जैसी खूबसूरत है ही कौन। मगर ये मुझसे नहीं होगा दीदी। है तुझसे नहीं होगा तो क्या मुझसे होगा। अरे ये नखरे वखरे छोड़, ये काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। क्यों बैठी है ना? क्या बात है इंजीनियर दीदी? ओ तो आप घर में हैं। आइए आइए, तशरीफ लाइए, जरा इन्हें समझाइए कि हमारी महिला समिति के। हाँ वो तो सब मैंने सुन लिया दीदी। क्यों नहीं करेगी, भला आपका हुक्म इन क्वार्टर्स में कौन टाल सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुन लिया ना आपने महाशय की बात। बस राधा भाभी, अब तो तुम्हें करना ही होगा। लेकिन हाँ, लेकिन कुछ नहीं, बात पक्की, समझ लेना। है खड़े खड़े सोच क्या रहे हो, चाय पानी का इंतजाम करो जल्दी जल्दी। तुम भाई चाय पियोगी ना? मीरा बहन, तुम्हारी भक्ति देखकर तुम्हारे इष्ट देव श्री गिरधारी लाल जी का चरण अमृत मैं वृंदावन से तुम्हारे वास्ते लाई हूँ। मैं समझ गई हूँ इसमें क्या है, किंतु जब तुमने इसे मेरे प्रभु का चरण अमृत कहा तो मैं अवश्य पीऊंगी। मेरा
इंजीनियर दीदी कहाँ है? इंजीनियर दीदी अभी सीट के बेहोश होकर गिर गए। क्या? बेहोश होकर गिर गए? क्या हुआ है? कहाँ है वो? मिस्टर निर्मल मुखर्जी आप जरा अंदर आ जाइए। क्या हो गया आपकी दीदी की तबीयत अचानक खराब हो गई है? अरे हटो ना, तुम लोग क्यों भीड़ लगाए हुए? क्या बैठो, क्या बैठो? अरे खड़े मुंह क्या देख रही हो? हेलो जल्दी से। क्या हुआ दीदी को? दीदी दादा अरे अच्छा हुआ भैया तुम आ गए, देखो इसे क्या हुआ। कुर्सी कुर्सी को क्या करना, यहाँ बैठो भैया। ओफो मैं तो घबरा गई हूँ। ओफो प्लीज तरह हवा में। अरे हटिए ना भाई साहब। ओ माँ का ना बहन जी, हे भगवान। अब आप कैसी हैं? क्या हुआ थी डॉक्टर साहब? इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू, शी इज गोइंग टू बी मदर। यथार्थ प्रसव पीड़ा के समय गर्भवती को लेटना या बैठना नहीं चाहिए, उसे धीरे धीरे कमरे में टहलने की सम्मति देनी चाहिए। धीरे धीरे गर्भवती स्त्री को कोई भारी चीज उठानी नहीं चाहिए, और भारी चीज उठानी नहीं चाहिए, भारी चीज। दादा दादा क्या? अरे ये क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। क्यों? अरे छोड़ो पहले उसे, वही छोड़ो। मगर क्यों? छोड़ दो मैं कहता हूँ। नीचे उतरो, नीचे उतरो। क्या हुआ? तुम जानती हो तुम्हें इन दिनों भारी चीजें नहीं उठानी चाहिए, और तुम वो ढाई मन का बोझ उतार कर नीचे आ रही थी। मगर क्या हुआ? ओफो मेरा सर हुआ, ये देखो ये पढ़ो। गर्भवती स्त्री को भारी चीजें चढ़ी। नीचे उतरो, नीचे उतरो। चलो जाओ जाकर आराम करो। खाना कौन पकाएगा? मैं पकाऊं। तुम? हाँ देखो तुम सीधी तरह चलो वरना 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 क्या वरना मैं तुम उठा के ले जाऊंगा। चलो चलो चलो। ये सब क्या कर रही हो? जाओ इधर से। मैं तुम कितनी मरतबा मैंने कहा तुम जाके आराम करो, मैं संभालूंगा सब। जा नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगे? नहीं। जाओ जाओ। ये कितना डालना है? जाओ ना मेहरबानी करके। सुनो उसको, वो तुम जाओगी या नहीं? कोई आ गया, कोई आ गया। जाओ जाओ उसको ले आओ यहां। अरे पीतू कब से बैल बजा रहा हूं मैं? सुन तू आ गया। क्यों? देख तेरे जीजाजी ने क्या शुरू कर दिया है। क्या कर दिया? तू आना देख तेरे जीजाजी क्या कर रही है। हाँ आ गए तो। हाँ आप खाना बना रहे? तुम्हें खाना नहीं बना सकता। मैं खाना नहीं बना सकता। नहीं, नहीं बना सकता। कहाँ से एक गंदी किताब लेके आए हो? गंदी किताब? जान दो पीतल उस किताब में क्या लिखा है? क्या लिखा उस किताब में? लिखा है कि आजकल तुझे आज से दूर रहना चाहिए। मुझे? हाँ तुझे। अरे नहीं यार तेरी दीदी को तो समझता भी नहीं। अच्छा इस हाथ से दूर ले जाए। चलो चलो चलो। दीदी मैंने तो सोचा था आज मैं खाना यही खा दो। यही खाना, यही खाना। तुम बहुत अच्छा खाना बनाए। खाना कौन खाएगा? क्या मतलब कौन खाएगा? क्या मतलब कौन खाएगा? सब खाएगा। खाएगा ना तुम? खाएगा बस। चल जल्दी ले जाओ खाना खा के जाना। ऐसा झांसू बनाया है जिंदगी में तुमने ऐसा खाना कभी खाया नहीं होगा। अच्छा है ना? बस कह रहा था ना सुना। ये औरतें समझती हैं कि मर्दों को खाना पकाना ही नहीं आता। बहुत अच्छा बनाया। क्यों रे पीतू और लो ना। खट्टी चीजें खाने को जी करता है, जैसे कि इमली, कच्चे आम इत्यादि। कभी कभी चूल्हे की मिट्टी खा। चूल्हे की मिट्टी? दादा हंसता चलो, तुम्हें मना किया कि आजकल तेज मत चला करो। अच्छा ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या ये क्या है? चूल्हे की मिट्टी। अरे सुनो आजकल चूल्हे की मिट्टी खाने को तुम्हारा जी नहीं करता? लेकिन किताब में तो लिखा था घूमने फिरने से। लेकिन डॉक्टर वो किताब में तो लिखा है कि किताब। उफ़ो ये किताब तो मेरी सौत बन गई। जब देखो किताब में ये लिखा है, किताब में वो लिखा है,
नहीं दादा, यही तो मुश्किल है कि इस किताब में सब कुछ नहीं लिखा है। इसमें ये नहीं लिखा जिससे ये पता चले कि लड़का होगा या लड़की। अच्छा तुम्हारा क्या ख्याल है, लड़का या लड़की? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो लड़की भी चलेगी। तो? लड़का, मैं उसे अपने जैसा बनाऊंगी। साधु बाबा ने कहा था कि उसका भगवान पर अटल विश्वास होगा। मैं एक बात मानूंगी। क्या? सो जाओ। बिगड़ गए? बिगड़ना बिगड़ना कुछ नहीं, किताब में लिखा है आजकल तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। सो जाओ। प्रीतम, मैं प्रीतम को बुलाता हूँ। प्रीतम, 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 जल्दी उठ, तेरी दीदी को हॉस्पिटल ले जाना। जल्दी नहीं तो तालीस साथ जाता नहीं। नमस्ते महाराज। नमस्कार। बच्चे की उम्र कितनी है? अच्छा महाराज, महाराज अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई महाराज। अरे मूर्ख, मैं तेरे बच्चे के बारे में थोड़ा ही पूछ रहा हूँ। ओह संजय, अब मेरे भांजी के लिए पूछ रहे हैं महाराज? अभी उसकी उम्र सिर्फ 2 महीने की है। शिशु के जन्म स्थान में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है बच्चा। गड़बड़? परंतु बिना देखे हुए हम कुछ नहीं बता सकते बाल। तो महाराज आप मेरे साथ चलिए ना, मैं वहीं जा रहा हूँ महाराज। अच्छा, परंतु घर जाने के लिए हमारी डबल फीस होगी, 5 रुपए। 5 रुपए? कोई बात नहीं महाराज, मैं आपको एडवांस भी दे दूंगा महाराज, लेकिन आप चलिए। चलिए महाराज। परंतु हमारी सामग्री का क्या होगा? ये लोग संभालेंगे ना महाराज, आप मेरे साथ चलिए महाराज, मैं आपको जल्दी से छोड़ दूंगा। मेरी साइकिल में कैरियर भी लगा हुआ महाराज। अच्छा भाई, दीदी। अरे पिंटू, इधर इधर। क्या बात है? जीजा जी तू घर में नहीं है ना? और क्या हुआ? बहुत खास बात है, दरवाजा खोलो जल्दी से। जीजा जी के आने का कोई चांस तो नहीं है ना? क्या भाई, आजकल वो कभी कभी दोपहर को खाने के लिए आ जाते हैं। तब तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? मैं ज्योतिषी को लाया था। ज्योतिषी? हाँ दीदी, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। मुझे देखते ही उन्होंने पूछ लिया कि तुम्हारे भांजे की उम्र कितनी है। दीदी भला मुझे देखकर कोई बता सकता है कि मेरा भी भांजा हो सकता है? लेकिन दीदी मुन्ने की कुंडली में कुछ गड़बड़ है। क्या? अरे नहीं घबराओ मत, उन्होंने कहा है कि पहले मैं बच्चे को देखूंगा फिर बताऊंगा। दीदी इसलिए मैं उनको ले आया हूँ। ले आओ। अगर तेरे जीजाजी आ गए? उनकी तुम फिक्र मत करो, अंदर से लॉक कर लेंगे, वो चाबी से भी नहीं खोल पाएंगे। बेटी तुम ये खिलौने पकड़ो, मैं भी रिलैक्स। पंडित जी आइए। अंतर्यामी है दीदी। हरिओम हरिओम हरिओम, जय शंकर भोलेनाथ। पढ़ाइए पंडित जी। हाँ आइए आइए। हरिओम। क्यों पंडित जी, क्या बात? बच्चा इस घर में बाप ही बाप विराजमान है। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी, इस घर में तो सुबह शाम भगवान की पूजा होती है। मेरी दीदी को देखिए, भगवान का नाम लिए बिना पानी तक नहीं पीती। नमस्तम।
आत्मवत सर्वभूतेषु मातृवत परदारेषु। महा तुम बड़ी सौभाग्यवती हो, परंतु तुम्हारा पति पंडित जी, दरअसल मेरे जीजाजी भगवान में विश्वास कम करते हैं। पापी है? नहीं, ये मतलब नहीं है। मेरे जीजाजी नास्तिक जरूर हैं, लेकिन जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलते। तो फिर एक पवित्र पापी है। हाँ, एक सच्चा नास्तिक। प्रीतु पंडित जी, आप इन बातों को छोड़िए। क्यों? आप मुन्ना को देखिए ना। मैं जरा पंडित जी, दरअसल बात यह है कि मेरे जीजाजी साधु संत और ज्योतिषियों से जरा चिढ़ते हैं। हरिओम हरिओम, फिर तो शीघ्र ही होना चाहिए। फॉर हरिओम। देखा, मैंने जो कहा था बिल्कुल सत्य निकला। क्या हुआ महाराज? इस बालक के जन्म स्थान में शनि भयंकर रूप से विराजमान है। महाराज, मेरे ख्याल से आप इत्मीनान से बैठकर देखिए, क्योंकि हिसाब किताब का मामला है ना। अवश्य अवश्य, परंतु आपके जीजाजी जीजाजी आप आइए से। बैठिए बैठिए बैठिए। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। कर्त में कन्या, कन्या में कला, कला में तुला, तुला कन्या में तुला, अतुला में कन्या, कन्या में क्या, कन्या में तुला। देखा, मैंने जो सोचा था बिल्कुल सत्य निकला। नास्तिक लग्न में जन्म लिया है बालक ने, इसी कारण मां तुम्हारा बालक महापापी बने। पंडित जी, मेरे ख्याल से एक मतलब फिर से देखिए, शायद गिनती में गलती हो गई हो तो। हरिओम हरिओम हरिओम। हमारी गणना में कभी गलती नहीं हो सकती। ये बालक अपने पिता के मृत्यु का कारण बने, परंतु इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है मां। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सिर्फ एक पूजा की जरूरत है। इसमें केवल 20-30 रुपए का खर्च होगा, फिर आपकी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। दादा, हरी हरी, क्या हुआ? पीतू, दरवाजा अंदर से लॉक करके आराम से सो रही थी। अगर तुम आने में जरा देर करती तो ये दरवाजा ही तोड़ना पड़ता। मुन्ना सो रहा है? ये क्या है? दादा, तेरा दादा मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? क्या हुआ? तुम मुझे साधु बाबा के पास ले चलो। क्या? अभी अभी एक ज्योतिषी आए थे, उन्होंने मुन्ना के बारे में सब कुछ खराब बताया। कहा वो महापापी बनेगा, अपनी बाप की मौत का कारण बनेगा। फाड़ में जाए तुम्हारा वो जोशी। मुन्ना मेरी मौत का कारण बने ना बने, लेकिन तुम्हारे उस जोशी की मौत का कारण मैं जरूर बनूंगा। कहा है वो कमत? प्रीतम लाया था ना उसे? हंसी मजाक की बात नहीं है, तू मुझे साधु जी के पास ले चला। मुन्ना होने के बाद हम उनसे मिले ही नहीं, बहुत जी घबरा रहा है। ओफो, जी घबराता है तो प्रीतम के साथ चली जाना, मैं नहीं जाने वाला। तुम दोनों भाई बहन के वहम ने मेरा जीना हराम कर दिया। एक दो महीने का बच्चा और वो महापापी बनेगा, डाकू बनेगा। अब जरा मुझे भूख लगी, जा खाना ले। ओफो, मुझे देर हो रही है, जाओ ना। क्यों भूल गए? मेरी मिठाई कहाँ है? अच्छा हुआ आप मिल गए, राधा भी आपसे मिलना चाहती थी। आप यहाँ ठहरे, मैं अभी आता हूँ, आपको घर ले जाओ। गोपाल स्वामी, एक जरूरी काम आ पड़ा, मुझे फिर घर जाना, मैं आधे घंटे में वापस आता हूँ। क्या क्या जी? Thank you.
अभी अभी मैं एक साधु जी से बातें कर रहा था, वो चले गए क्या? मैंने तो किसी साधु को नहीं देखा। तुमने नहीं देखा? उस पत्थर के पास एक साधु जी खड़े थे जिनसे मैं बातें कर रहा था। मैंने तो आपको किसी से बात करते नहीं देखा, आप तो सीधे चले गए। कमाल, भगवान अगर तुम्हारे मन में यही था तो तुमने मुझे संतान क्यों दी? लोग संतान की कामना करते हैं सुख और मंगल के लिए, और मेरी संतान। बहुत अच्छी बनेगी बच्ची, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे कल्याण के लिए हम स्वयं पधारे। अब देखा राधा, जो भगवान पे विश्वास रखता है उसे अपने आप पर भरोसा नहीं रहता, बिला वजह हिम्मत हार बैठता है, और जब अपनी हिम्मत से काम नहीं ले सकता तो तस्वीर और खिलौने के सामने आंसू बहाता है। अरे सुनो तो राधा, गुस्सा क्यों करती हो? अच्छा तुम वो साधु महाराज से मिलना चाहती थी ना, चलो आज चलते हैं। तुम जाओगे? क्यों नहीं राधा, ये सच है कि मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं किसी इंसान को कभी नहीं ठुकराता। तुम्हारे साधु महाराज मिठाई खाना चाहते थे ना, चलो आज ले चलते हैं। तो देख क्या रही हो तुम, मैं सच कह रहा हूं, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। महाराज, महाराज कहाँ हैं? आप महाराज से मिलने हैं, आइए। ये रहे महाराज। ये क्या है? 2 महीने पहले महाराज का देहांत हो गया। नहीं, ये झूठ है। ये झूठ नहीं, सत्य, सबसे बड़ा सत्य। यही है महाराज की समाधि, पीपल के नीचे की यह जगह उन्हें बहुत पसंद थी। यहीं बैठे बैठे एक दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सबकी मनोकामनाएं पूरी कर दी, दीदी की गोद भी भर दी, लेकिन माँ तुम मेरी सहन शक्ति की इतनी परीक्षा क्यों ले रही है? कब तक लेती रहेगी? माँ अगर मुझ पर दया नहीं करनी तो साफ साफ सपने में आकर कह क्यों नहीं देती कि गधे प्रीतम तू जिंदगी भर कवार ही रहेगा? अरे क्या तूने मेरी बात सुन ली माँ? ये कौन आया मेरे घर के द्वारे कुंडी की झनकार लिए? जीजा जी, आप इतनी रात गए, और क्या क्या बात है? मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। कुछ गंभीर बात है जीजा जी, क्या बात है? तो बस प्रीतम, तूने कभी भूत देखा है? भूत? अरे जीजा जी, जीजा जी, आधी रात को क्या आप यही सवाल पूछने के लिए यहाँ आए हैं? भगवान को तो मानते नहीं, ये भूत के पीछे आप कहाँ से पड़ गए? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तू सो जा, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जब भी है, या तो आप यहाँ सोइए आज रात को, नहीं तो मैं कपड़े बदलता हूँ, आपके साथ चलूंगा। नहीं ऐसे ही चलिए, ऐसे ही चलिए। माँ तुम परेशान क्यों? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा बनेगा, उसे भगवान में विश्वास दिलाओ, उन्हीं के चरणों में सौंप दो। माँ वहम और विश्वास दो अलग अलग भावनाएं हैं,
वहम का शिकार होकर इंसान अज्ञानी बन जाता है, कर्म भ्रष्ट हो जाता है। भक्ति और विश्वास जीवन में ज्ञान की रोशनी लाते हैं। भगवान को तलाश मत करो, ज्ञान को तलाश करो, भगवान को खुद समझ जाओ। गोपेश गोपिका
तुमसे कहूं, तुम्हें भक्ति दे, श्रद्धा दे, विश्वास दे, सदा तुम्हारे मन में वास करें। अच्छा माँ, पापा हमारे साथ भगवान की पूजा क्यों नहीं करते? मुझे क्या मालूम, तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? मैं जाके पूछूं? हाँ जा। पापा, तुम हमारे साथ भगवान की पूजा क्यों नहीं करते? क्या? तुम भगवान की पूजा क्यों नहीं करते? वो बात ये है बेटा कि हाँ, मुझे काम करना पड़ता है ना, रोज कारखाने में जाना पड़ता है, इसलिए। रास्ते सारे हाँ, और तुम्हारी छुट्टी है फिर भगवान की पूजा करने की। ओए क्या मुसीबत है। देखो बेटा, बात ये है कि तेरे मामा हमारा मुन्ना स्कूल जाएगा। मिल गए? अरे क्या सीट मिल गई, बड़ी मुश्किलों से मिली, हजारों चक्कर काटने के बाद। हाँ, लोग तो कहते हैं कि आजकल अगर बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना हो तो 2-4 साल पहले से सीट बुक करानी चाहिए। जीजा जी, इसीलिए मैंने एक सीट और भी एडवांस में बुक करवा ली है। किसके लिए? अरे वाह जीजा जी, आपका भी जवाब नहीं है, मुझे कुछ अपना भी तो ख्याल करना चाहिए ना। प्रीतम बाबू, पहले जो मेन सीट खाली पड़ी है उसका तो कुछ बंदोबस्त कीजिए, पिछले 5 साल से यूं ही थक्के खा रहे हो, कुछ नहीं बन रहा। कहो तो हम लोग कुछ कोशिश करें तुम्हारे लिए। नहीं, कोशिश करने से क्या होगा, कौन देगा इसको लड़की? सुन रहे? हंसिए, हंस रहे और हंसिए। अरे अगर सच्चे दिल से कोशिश करता ना तो आज तक 2-4 शादियां करके फेंक दी होती। हाँ भाई, मुन्ना ये पपी कहाँ से भोग रहा है? उसको छोटे कमरे में बंद कर रखा है। भाई, छोटे कमरे में बंद कर रखा है, क्यों क्यों क्यों? हम जब पूजा करने बैठते तो पप्पी आकर मेरी गोद में बैठ जाता है और माँ बहुत गुस्सा करती है। शैतान कहीं का, मामा आते ही माँ की शिकायत करने लगा। क्यों नहीं करेगा, जरूर करेगा। अच्छा मुन्ना ये बताओ, तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? तुमसे मामा। अच्छा, आज तो तेरे पप्पी को जरूर घर से निकाल दूंगी। देखो ना मामा। नहीं 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 बेटे, तेरे पप्पी को घर से कौन निकाल सकता है, माँ तो तुझे ऐसी चिढ़ाती है। मामा, मैं पप्पू को लेके आऊँ? दिन रात पप्पी के पीछे लगा रहता है। छोटा सा बच्चा है ना। नहीं नहीं, अगर तू पीता है तो फिर शर्माता। नहीं नहीं नहीं, मैंने पीता। ची ची ची। अरे हाँ जीजा जी, वो गोपाला स्वामी की कुछ खबर आई? हाँ, वो कल रात को आ गया, उस बेचारे की बीवी का देहांत हो गया। कब? कुछ 10-15 दिन पहले। अरे राम 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 राम, मैं उससे मिलकर आता हूँ। अरे मामा, मामा। बेटा तुम्हारे मामा गोपाल अंकल के घर गए। अरे ये सारा मकान खुला छोड़कर कहाँ चला गया? बीवी के गम में। अरे अरे कहाँ गए? मामा क्यों फोन नहीं दी? दूंगा नहीं उन बच्चों। मामा ये बोलो क्षमी। नमस्ते।
नमस्ते नहीं जी, वो तुमसे माफी मांगता है। ओ, 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 काफी थे। इपुरु आई दिन इंशाल्लाह लोग कैसे ना नो। ये क्या था? काफी का बात करता है जी। साले बाबू, तुमको बहुत मार लगा ना जी। अरे नहीं नहीं गोपाल जी, कुछ भी नहीं लगी। दो चार और मारती तो क्या आज था? तुम्हारी लड़की है। अच्छी है। क्या जी? कॉफी कॉफी, तुम्हारे घर की कॉफी बहुत अच्छी है। कॉफी अभी मिलाता है जी कॉफी। देखो बच्चों, इसका नाम है नंदन मुखर्जी। आज से ये तुम्हारे साथ पढ़ेगा। चलो बैठो, वहां बैठ जाओ। चलो पहला दिन है, सभी बच्चों के साथ ऐसे ही होता। थोड़ी देर में घुल मिल जाएगा बच्चों। शाम को आकर उसे 4 बजे ले जाइए। मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। आइए आइए। हाँ हाँ आइए। और राजा दुर्योधन को किसने मारा था बता सकते हो? बताओ। तारासिंह सर। हैं? तुम क्यों हंसते हो? तुम बता सकते हो कि दुर्योधन को किसने मारा था? हाँ सर। बताओ। भीमसेन। गुड। और पांडव कितने भाई थे? 5 भाई, रजिस्टर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वेरी गुड, तुम तो काफी समझदार हो। बैठो बैठो। हाँ तो इसके बाद, अच्छा तो बच्चों इसके बाद की कहानी कल सुनाऊंगा। इसे तो तेरा कचरा कर दिया। अरे इसका बाप तो मिस्त्री है, मिस्त्री। और मेरी डैडी पायलट, बड़ा आया हमसे टक्कर लेने। राजू जरा बुला के दला उसे। क्यों? जरा उसे ये तो बता दें कि किसने किसको मारा था। जा बुला के ला। अभी बुला के आता हूँ। मुझे बुलाया? हाँ इधर आओ। क्या बात है? अशोक ने तुम्हें बुलाया। तुमने मुझे बुलाया? हाँ पप्पू, यार चप्पू को दुर्योधन को किसने मारा है? ए दुर्योधन को किसने मारा था? नहीं तारासिंह ने। अशोक ने जो कहा वही ठीक है। वाह ये कैसे हो सकता? मैंने माँ से माँ भारत की पूरी कहानी सुन ली। अरे तेरी माँ क्या जानती है? तूने कभी दारा सिंह को देखा है? ये कहाँ से देखेगा? जरा इसको बता तो दे कि दारा सिंह कौन है। बताओ। अभी बताता हूँ। आजा। हाँ आजा। नहीं नहीं मेरी माँ ने कहा है किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करा करते। चोट लगी है। क्यों रे? क्यों मारा तुमने इसको? मैंने सर, इसने मुझे नहीं मारा। फिर? वो अशोक और उसके दोस्त इसे मारने के लिए पीछा कर रहे थे। ये आकर मुझसे टकरा गया और मैं गिर पड़ा सर। अच्छा तू मुंह धो के ऑफिस में जा और दवा लगा ले। यू यू स्टैंड अप, स्टैंड अप ऑन द बेंच। Thank you.
looking for somebody? Jimmy? Me? Funny, funny. Miru, yavaru? Tumhara baat nahi samajhta. Ghumne ko jayega. Ghumne ko, ghumne ko. Idhi hai me? Piche dikhayega, samundar pe ghumayega, khana khilayega, taxi mein leke jayega. Miru, yehin sab tar. Oh, come on, let's go, darling. Hey, hey. ओ चिल्लाओ मत घुमाए कुछ नहीं पड़ेगा ना जाए बेटू ओ माय गॉड ना जाए बेटू जाए बाबू 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 जाए शैतान कहीं का मैं तेरे लिए यहाँ कब से खड़ी हूँ और तुझे सबसे पहले पपी का ख्याल आया नहीं माँ चल अब फिर तू दीदी मुझे बहुत जरूरी काम है बाद में आऊंगा जरूर आना कितनी बार मना किया कि घर से अकेले बाहर नहीं जाने का ताला बाबू आज अगर तुम नहीं होता तो कितना घराटा हो जाता मारती का अब जान कितनी घबराई हुई है बच्ची तो है दे दो ना दांत निकालता है जाने तो जाने ताले बाबू तुम बैठो हम अभी कपड़ा बदल के आते हैं इस लड़की के लिए हमने कम्बू आदमी नहीं रहा जाओ 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 ताला बाबू के लिए काफी लेके आमी एमी वो काफी थे मुझे कॉफी नहीं चाहिए कॉफी नहीं चाहिए तुम यहाँ आओ ना आ जाओ आ जाओ ये नहीं लक्ष्मी तुम बहुत अच्छी हो नहीं नहीं ये नहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम बहुत अच्छी हो ये नहीं यही तो मुश्किल है कि तुम मेरी भाषा नहीं समझ सकती हो मैं तुम्हारी नहीं समझ सकता हूँ मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ तुम थोड़ी देर बैठो ना बैठा बैठो बैठो तू रूपल ने रूपल ने रूपल ने गोपाल ने नहीं गोपाल तो नहा रहे तुम बैठो बैठो कुर्सी पर बैठो अब तो मेरी भाषा समझने लगी हो बैठो बैठो लक्ष्मी लक्ष्मी देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ ये नहीं चॉकलेट 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 तुमने दी हाँ तुमने दी मैंने चलो 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 पागल नहीं ना लक्ष्मी एक एक, एक मेरे हाथ से खा लो ना लक्ष्मी ये क्या हो रहा है ज्यादा नहीं दिया माँ थोड़ा ही दिया शैतान कहेगा चल अब जल्दी से दूध पी ले और ये खा ले अच्छा मुन्ना आज तो पहले दिन स्कूल गया
क्या क्या हुआ स्कूल में मुझे नहीं बताएगा? हाँ वो तो मैं भूल गया, वो राजू है ना राजू, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई। अच्छा? हाँ उसने कहा है वो मुझे एक दिन अपने घर ले जाएगा। तू भी उसको एक दिन अपने घर ले आना। हाँ माँ। माँ जानते हो राजू की माँ है ना बहुत बीमार है, उस बिचारी का और कोई नहीं। अच्छा? हाँ माँ तुम्हें मालूम है राजू की माँ भी दिन रात भगवान की पूजा करती है। सच? हाँ। अच्छा माँ राजू की माँ अच्छी हो जाएगी ना? हाँ हाँ जरूर अच्छी हो जाएगी, जो भगवान पर विश्वास करते हैं और उनकी पूजा करते हैं भगवान उन्हें कभी तकलीफ नहीं देते। फिर तो राजू की माँ जरूर अच्छी हो जाएगी, कल मैं स्कूल में जाके राजू को बता दूंगा। हाँ अच्छा मुन्ना जल्दी से दूध पीकर मुंह हाथ धो लो। भगवान को ढूंढ रहा हूँ खटिया के नीचे। हाँ माँ कहती है कि भगवान हर जगह रहते हैं, हर चीज में रहते हैं, सिर्फ उन्हें विश्वास और भक्ति से ढूंढना पड़ता है। चलो ना पापा हम दोनों मिलकर भगवान को ढूंढे। हो गई छुट्टी। देखो बेटा बात यह है कि बात भी क्या। हाँ वो थोड़ी माँ आ गए। अब बेटा मुझे चाय पी के जल्दी से तैयार होने दो। एक काम करो तुम माँ बेटे दोनों मिलकर भगवान को ढूंढो। हाँ खटिया के नीचे तो नहीं मिला ना? नहीं ना। अब ऐसा करना रसोई घर में जितने भी डिब्बे हैं डिब्बे। हाँ मुन्ना तुम जाकर पढ़ने बैठो, फिर तुमने मम्मी के सामने ऐसी बात की, तुमने मुझे वचन दिया था ना। अब मैं क्या करूं खटिया के नीचे अगर उसे भग अरे माफ किया कि नहीं सुनो। देखो कितना खूबसूरत ये सब था और कितना हरा हरा पानी है। पौधा मंडी ఇప్పుడు బోట్ మే అరే సైకిల్ బోట్ మే కదా జాయేగి అయ్యో ఏం చెప్పాలా అరే అయ్యో తుమ్ సమజ్తే నీ హో నేను నా మాటలు వినండి నా మాటలు వినండి ఇప్పుడు कितनी खूबसूरत है। बाबा फूल बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। इप्पुडु चाना शेप अयिंदि नाना गारु नन्ने इंटि चूडकपोते कॉप्स कुंटारु। कॉप्स कुंटारु? कॉप्स कुंटारु कॉप्स कुंटारु। ओ समझा। अरे नहीं नहीं यहाँ कोई नहीं आने वाला, तुम आओ वहाँ चल के बैठते। अयो नायना ये मेको वक्त में पुरिंदी ले दो। चुप दीदी तुम बैठो ना। अयो कूचुनि स्नारु आज तो कहना ही पड़ेगा, अगर आज नहीं कहा तो फिर कब कहूंगा। अबे प्रीतम प्यार किया तो डरना क्या। लक्ष्मी अयो ये मैं अयो लक्ष्मी ये मैं लक्ष्मी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तेरी की घोड़क दिन कुछ भी नहीं समझी। प्यार प्यार यानी के रोमांस 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 अंटे येमी फिर येमी। इसका मतलब है कि कुछ नहीं समझी फिर से शुरू करना पड़ेगा। बड़ी ना समझो कैसे समझाऊं। लक्ष्मी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू आमी आमी तुम्हारे भालो पाशी भालो। हाँ बिट्टी ना बिट्टी ना फोंडी फोंडी
ఇంకా పెండ్లే కాలేదు ఎక్కడి నుంచి బిడ్డ అవుతుంది అక్కడ మగర్ ఈ అక్కడికి బాత్ క్యా శాద డర రీ కి కహీ బాప్ నా కట్ జాయ అరే లక్ష్మి తుమ్ అప్నే బాప్ కి చింతా మత కరో మే తో సిర్ఫ్ తుమ్సే డర రహా థా కి కహీ తుమ్ ఇన్కార్ నా కర దో యే మీ క్యా ముసీబత్ హై క్యా దేశ్ హై హమారా కిత్నీ భాషాయే హై ఏక్ లడకా ఏక్ లడ్కీ సే అప్నే దిల్ కి బాత్ తక్ నీ కహ సక్తా సమ్జా నీ సక్తా ఔను అబ్ ఔర్ కహా ఔ కిధర్ ఔ కైసే ఔ యే ముష్కిల్ హై బాబా आंख मेरी आंख मेरी गलती से लड़ गई जान बड़ी मुश्किल में पड़ गई आंख मेरी गलती से लड़ गई जान बड़ी मुश्किल में पड़ गई मत बिगड़ गई जान बड़ी मुश्किल में आंख मेरी गलती से लड़ गई जान बड़ी मुश्किल में पड़ गई मगर अब आगे बढ़ गई जान बड़ी मुश्किल में आंख मेरी गलती से लड़ गई जान बड़ी मुश्किल में पड़ गई Thank you.
कई दिन से देखता हूँ तुम बाहर खेलने नहीं जाते, क्या बात है? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं समझ गया, आज 6-7 दिन से राजू स्कूल नहीं आ रहा है, इसलिए तुम उदास हो ना? हाँ, उसने कहा था कि उसकी माँ बहुत बीमार है, न जाने उसे क्या हो गया। हो सकता है वो खुद ही बीमार पड़ गया हो, तुम राजू का घर क्यों नहीं जाते? कैसे जाऊँ, मैं उसका घर नहीं जानता। मैं जानता हूँ उसका घर। तुम जानते हो, तुम नहीं चलोगे मुझे उसके घर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज ही छुट्टी के बाद ले चलूंगा। तुम बहुत अच्छे हो। चाची ने कहा तो मुझे नहीं पढ़ा सकती। नहीं हो सकता, तुम्हारी माँ तो दिन रात भगवान की पूजा करती थी। मेरी माँ ने कहा था तुम्हारी माँ जरूर अच्छी हो जाएगी। झूठ, सब झूठ, भगवान नहीं है। मैं भगवान के सामने कितना रोया, कितना कहा कि मेरी माँ को अच्छा कर दो, कहा सुने उसने मेरी बात? बोता सब सुनता ना, भगवान नहीं है नंदन, भगवान नहीं है। हाँ शायद तुम्हारी बात सच है, बाबा भी यही कहते हैं कि भगवान नहीं है। खबरदार जो भी कभी ऐसी बात मुझसे निकाले। किसने कहा तुमसे ये सब? ये झूठ है। नहीं ये झूठ नहीं है, झूठ होता तो राजे की बात क्यों करती? तुमने तो कहा था कि राजे की बात अच्छी हो जाएगी। ना बेटा, ऐसी बातें नहीं किया करते, ये सुनना भी बात है। जाओ भगवान से माफी मांगो। नहीं भगवान नहीं है। राजू भगवान के सामने कितना रोया, तभी उसकी माँ मर गई। पापा ठीक कहते भगवान झूठ। नहीं अब मैं भगवान की पूजा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। इसमें हंसने की क्या बात है? अगर हंसने की बात नहीं होती तो हंसी आती ही क्यों? राधा जो झूठ है उसे तुम एक बच्चे के दिल में कभी सच साबित नहीं कर सकती। हर बच्चा अपने विचारों से समझना चाहता है क्या सच है और क्या झूठ है। तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ। दिन रात उसके सामने कहते रहते हो भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। राधा मैं तो दिन रात यही कहता हूँ कि भगवान नहीं है, लेकिन तुम पिछले 5 साल से उसे यही कह रही हो कि भगवान है, भगवान सब कुछ है, फिर आज क्यों? बस रहने दो, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। उसके दिल में विश्वास वापस लाऊंगी। मगर कैसे? जैसे भी होगा, मैं उसे ये सोचने भी नहीं दूंगी, कभी भटकने नहीं दूंगी, समझे? चलो उठो, हाथ मुंह धोके कपड़े बदल लो। मैं नहीं उठूंगा। मैंने तुम्हारे कहने पर राजू को कह दिया था कि उनकी माँ अच्छी हो जाएगी। ये क्या हो रहा है भाई? मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? इतना बड़ा आदमी रो रहा है। बाबा राजू की माँ मर गई। बेटा ये रोया नहीं करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तू किसका बेटा है? किसका बेटा है तू? तुम्हारा। फिर मेरा बेटा होकर रोता है? हाँ चल मुंह हाथ धो ले और फटाफट कपड़े बदल ले, हम सब घर चलते हैं। क्यों राजा? तुम दोनों ही जा, मुझे बहुत काम है। बाप रे बाप रे, चुप हो जा, इंजन एकदम गर्म है। हम चलते हैं, वापस आने तक ठंडा हो जाएगा। नहीं चल। आया पापी। अरे अरे ये क्या, कहाँ जा रही हो? सब्जी लाने लिए। क्यों, क्या करूं? तुम दोनों बाप बेटे तो घूमने चले गए, घर में कुछ है नहीं। अरे अरे, इसमें इतनी नाराज होने की क्या बात है मेरी रानी? लाओ मैं जाता हूँ। पैसा है? पैसा।
क्या मालूम? पापी, पापी। बोलो ना मेरी पुप्पी कहाँ है? कह तो दिया मुझे नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? तुम तो घर में थे। तो क्या हुआ, घर में और भी तो कोई रहता है जो सब कुछ देखता है सब कुछ सुनता है। कौन? क्यों तुम नहीं जानते? वो ही जिनकी तुमने बुराई की थी। अब अगर वो तुम्हें सजा देना चाहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो लगता है तुम्हारे पप्पी के खो जाने में जरूर भगवान का हाथ है। तुमने उनकी बुराई की थी, उनको गुस्सा आ गया। वो तो राजू की माँ मर गई इसलिए मैंने उनकी बुराई की थी। राजू की माँ क्यों मर गई? वो तो भगवान की इच्छा, उनकी मर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता। और फिर जो आदमी उनकी मर्जी के खिलाफ गुस्सा करके उनकी बुराई करता है उसे वो सजा देते हैं। तुम्हें सजा देने के लिए अगर भगवान ने तुम्हारे पप्पी को ले लिया तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम कौन ना भगवान से कि अब मैं उनकी बुराई कभी नहीं करूंगा? मेरे कहने से क्या होगा, जो गलती करता है उसी को माफी मांगनी चाहिए। अगर मैं भगवान से माफी मांगू तो वो मुझे माफ कर देंगे ना? अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगोगे तो क्यों नहीं कर देंगे? और हो सकता है तुम्हारा पप्पी भी वापस मिल जाए। जाओ हो गई, मैंने गुस्से में तुम्हारी बुराई कर दी। जब राजू की माँ मर गई तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आ गया था। अब मैं तुम्हारी बुराई कभी नहीं करूंगा। तुम मेरे पप्पी वापस कर दो। मैं सच कहता हूँ बाबा, मैं ऐसी बात कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं बाबा। तो जानता है माँ कहती थी मैंने भगवान की बुराई की थी ना इसलिए वो तुझे ले गए। बाप रे, अब मैं भगवान की बुराई कभी नहीं करूंगा, समझे पप्पी? पापा, हाँ पापा, मुन्ना पापा, मुन्ना। अरे ये क्या? पापा तुम्हें मालूम है मैंने शाम को भगवान की बुराई की थी ना इसलिए उन्होंने मेरे पप्पी को ले लिया था। क्या? हाँ, फिर जब मैंने जाकर भगवान से माफी मांगी तो उन्होंने मेरे पप्पी को वापस कर दिया। बाबा, अब मैं भगवान की बुराई कभी नहीं करूंगा। हाँ मुन्ना, तुम जाओ कपड़े बदल कर पढ़ने बैठो। तुम्हारा यही तरीका था उसके दिल में विश्वास लाने का? एक झूठ को सच साबित करने के लिए तुमने एक और झूठ का सहारा लिया? झूठ? और नहीं तो क्या? तुम मुन्ने की बात टाल सकती हो लेकिन मेरी बात का जवाब दो। अगर तुम्हारा भगवान होता तो राजू की माँ क्यों मरती? 5 साल का बच्चा, उस यतीम की पढ़ाई क्यों बंद होती? क्या तुम्हारा भगवान कुछ नहीं कर सकता? जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुन्ने के सामने ये बात मत करना। तुम नहीं जानते हो जब मुझे ज्योतिषी की बात याद आती है तो मैं डर जाती हूँ। राधा, राधा, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक मासूम बच्चे के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात है राधा, बहुत बुरी। माँ, भगवान बहुत अच्छे हैं ना, माफी मांगने से ही माफ कर देते हैं। हाँ बेटा। अच्छा माँ, अगर उनसे और भी कुछ मांगा जाए तो वो दे देंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं,
दुनिया में जो कुछ देखते हो सब उन्हीं की देन है। अगर राजू भगवान से उसकी माँ को वापस मांगे तो उसकी माँ वापस आ जाएगी? जरूर आ जाती बेटा, मगर हम इंसानों के दिलों में वो विश्वास और भक्ति कहा, और फिर राजू की माँ मर गई, ये भगवान ही की इच्छा थी, उन्होंने उसको अपने पास बुला लिया। अपने पास? हाँ, स्वर्ग में। स्वर्ग क्या बहुत दूर है माँ? हाँ बेटा, बहुत बहुत दूर है, वहाँ भगवान का राज है, सब देवी देवता रहते हैं, जब जिस पर कृपा होती है भगवान उसे अपने पास बुला लेते हैं। स्वर्ग कहाँ है माँ? यहाँ परियों का देश है, चिंदा मामा का देश है, वहाँ? उन सब देशों का राजा भगवान ही है, सारे जगत का राजा वही रहता है। माँ, अगर मैं भगवान से राजू की पढ़ाई के लिए कहूँ तो वो मेरी बात मान जाएंगे ना? हाँ हाँ, जरूर मान लेंगे, मगर तू आज क्या सोएगा नहीं? माँ, कितना मजा आता अगर मैं स्वर्ग तक पहुँच सकता, वहाँ परियों का देश, चंदा मामा का देश, सब कुछ देख सकता। हाँ अच्छा, अब तू सो जा, मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। Thank you.
मुन्ने स्कूल का टाइम हो गया, जल्दी कर। तुम जैसे भी हो राजे की पढ़ाई का बंदोबस्त कर दो, वो बेचारा बहुत दुखी है। देखो ना, उसकी माँ मर गई तो बेचारे की पढ़ाई बंद हो गई। उसका और कोई नहीं है, मुझसे बहुत प्यार करता है। माँ कहती थी अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। एक बार तुम राजे की पढ़ाई का बंदोबस्त कर दो फिर मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। अब क्या करोगे? अगर राजू की पढ़ाई का बंदोबस्त नहीं हुआ तब तुम्हारी पोल खुल जाएगी। आओ बेटे, जल्दी जूते पहन लो। अच्छा भगवान, मैं चलता हूँ, तुम राजू की पढ़ाई का बंदोबस्त कर देना। हाँ चल। रोज सुबह माँ बेटे दोनों मिलके न कुछ न कुछ देर हो रही। हमारी खास भाषा यार यार, मैं कुलसिन में पड़ गया हूँ। क्या बात है? इधर आओ यार। मैं यार मैं क्या बात है, बोलना। एक तेलुगु लड़की से मोहब्बत करने लगा हूँ। मगर यार मुश्किल ये है कि ना वो मेरी भाषा समझती है ना मैं उसकी भाषा समझता हूँ। लेकिन उसकी आंखों की भाषा से मालूम होता है कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं करता हूँ। हाँ यार, तू मुझे तेलुगु में दो चार लाइनें ऐसी सिखा दे जिससे मैं उसे ये बता सकूं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कौन सी बड़ी बात है, आपको कह देना। क्या 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 भूतम शाला सेम कन पिस्तम दी। अरे यार छोड़ो, गड़बड़ हो जाएगी, मैं लेके तो भूल जाऊंगा। पेन 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 क्या 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 न्यू का भूतम, न्यू का भूतम। चाला सेम कन पिस्तम दी, चाला सेम कन क्या पिस्ता है? पिस्ता नको कन पिस्तम दी, तेलुगु लड़की से प्यार करेंगे, जरा जाको तो बोल उसको तेरी शक्ल मार मार को बिगाड़ देंगी। लक्ष्मी लक्ष्मी, मैं आज अपने दिल की बात तुम्हें तेलुगु में समझाऊंगा। नीमू का भूतम, चाला असयम कन पिस्ता, नीमुखम चूसी नाकु वांति वस्तंति। ये मी नन्ने चूसे वांति वस्तुंदा? मुझे क्या मालूम था कि ये तुमसे कह देगी। कैसे नहीं कहेंगी जी, हम तुमको अपना दोस्त समझा, हमारा इतना खूबसूरत लड़की तुमको भूलती दिखता जी। उसको देख के तुमको उल्टी आता जी। अरे उस कमबख्त ने मुझे उल्टा बता के फंसा दिया, सब चौपट कर दिया। अरे अरे मैं तो बड़ी खूबसूरत बात कहना चाहता था। क्या कहना चाहता जी? मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तुमको बताना पड़ेगा जी। कैसे बताऊं तुमको? तुम तो क्या कहते हैं उसके, वो तुम नाना गारू। क्या हुआ तुम बताओ जी।
तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? नहीं करेंगे जी। फिर से कौन नहीं करोगे ना? नहीं करेंगे जी। देखो मैं तो प्यार करता हूँ। लक्ष्मी इंटिक बो यंदुको। तुम क्या देखता जी? तुम जाओ अपना काम करो जी, आपस में मामला जी। तो मैंने क्या बुरा कह दिया? मैंने शादी के लिए तो खाना तुमने 6-7 साल पहले नहीं खाता और अपनी जबान से फिरते हो। हमने ये भी बोला था ना कि तुम हिंदुस्तानी है। आज आज फिर वही गाली। अरे हम बोला हम हिंदुस्तानी नहीं है, हम बंगाली है। हिंदुस्तानी होगा तुम फिर गाली देता है। आज फिर गाली देता है। देखो अगर तुम हिंदुस्तानी नहीं है तो हम हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी होगा जी। हमें शुरुआत करो, हमें गुजराती है, ये होता है हिंदुस्तानी। अस हिंदुस्तानी नहीं, अस पंजाबी है, हिंदुस्तानी होएगा। चलो चलिए। काई बोले रे? मैं हिंदुस्तानी कोनी, मैं मां मारवाड़ी हूं, मारवाड़ी हिंदुस्तानी हो यो। अरे दादा हमके हिंदुस्तानी ना थे, उठो पासी छो ओ हिंदुस्तानी। अरे दादा मैं तो मराठी ना, मैं हिंदुस्तानी नहीं है। अरे बाबू हां ये हिंदुस्तान है ना, मगर यहां हिंदुस्तानी कोई नहीं, कोई नहीं। अब क्या होगा? क्या होगा? होगा जी, क्या होगा? वही वही क्या जो नहीं है? क्या नहीं है? हिंदुस्तानी हम अपनी लक्ष्मी का शादी तुम्हारे साथ करेगा। अरे हम आज ही निर्मल बाबू से बात करेगा जी। नहीं 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 निर्मल बाबू से बात मत करो, मुझे घबराहट होती है, मैं समझा। काय को डरता है जी, हम बात करेगा। अजीब बात है गोपाला स्वामी, हमें तो इस बात का पता ही नहीं चला। कैसे चलेगा जी, हमको भी आज ही पता चला। सच बोलू निर्मल बाबू, उन दोनों के प्यार ने हमारी आंखें खोल दिया। अगर उन दोनों का शादी हो जाएगा ना तो जो बच्चा होगा ना वो प्योर हिंदुस्तानी होगा। अरे वाह गोपाला स्वामी, आपने तो हंसी मजाक में बहुत बड़ी बात कह दी। मैं तो समझता था कि आप सिर्फ तेल ही डाल अभी भी तो तेल ही डाल रहा हूँ निर्मल बाबू। हमारे देश का जो एकता है ना, यूनिटी यूनिटी, उसके इंजन को जान पकड़ा हुआ है, उसी में तेल डालता है। आप बोलो निर्मल बाबू, इंजन की स्पीड बढ़ाने के लिए आप भी कुछ नट बोल्ट टाइट करेगा कि नहीं? क्यों नहीं करेगा जी, जरूर करेगा जी। गोपाला स्वामी ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे हाँ अब तो हम सिर्फ दोस्त ही नहीं रिश्तेदार भी बन गए। बन गए ना? हाँ तो कॉफी पी। हाँ नहीं नहीं मैं जरा ये खुशखबरी पहले राधा को सुना दूँ, कॉफी तो पीते ही रहेंगे। अच्छा 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 लक्ष्मी। दादा दादा आज मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी लाया। क्या? प्रीतम ने आकर अपने लिए बीवी ढूंढ ही ली। कहा? अरे तुम्हें सुनकर बड़ा ताजुब होगा, अपने ही पड़ोस में। कमाल है, आज तक हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। जानती हो कौन? अपने गोपाला स्वामी की लड़की लक्ष्मी। हाँ। मगर वो लोग तो मद्रासी हैं। राधा अब इन सब पुराने ख्याल को छोड़ दो, दो दिलों में सच्ची चाहत हो तो उनका मिलन सबसे बड़ी शादी है। अब तुम खुद ही सोचकर देखो, दोनों बेचारे एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, फिर भी कई दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फिर क्या हुआ? मैं सोच रही थी अगर आज माँ जिंदा होती तो शादी के लिए कभी राजी नहीं होती। क्या होने से क्या हो जाता ये मैं कुछ नहीं जानता। मैंने तो गोपाला स्वामी को हाँ कह दी है। भाई तुम दोनों की माँ नहीं है, तुम उसकी बड़ी बहन हो, तुम्ही तो उसकी माँ हो। और फिर इस दुनिया में हम दोनों के सिवा उसका है कौन? ठीक है जैसी भगवान की इच्छा। इसमें भी भगवान आटक का है? प्यार उन दोनों ने किया, लड़की गोपाला स्वामी की, लड़का मेरा सारा, शादी हम दोनों ने पक्की की और भगवान की इच्छा हो गई है। तुम नहीं मानते हो मगर उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। हाँ जैसे अपना पप्पी खो जाने के बाद मिल गया था, जैसे वो क्या नाम है उसका, हाँ गरीब राजू की पढ़ाई का बंदोबस्त हो जाएगा। क्या आओ बेटे चंद्रयामी है। हाँ माँ
आज मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो ही गई और आज मैं अपने दिल की बात भी तुम्हें समझा सकता हूं। बड़े ही अच्छे आदमी से सीख कर आया हूं लक्ष्मी। ये रोजो नीची ने नीचो सानो आ रोजो नीची ने लो रेगिस्तान है। वो तो हम भी जानता जी, हम भी तुमको पहले ही दिन से निजंगा। क्या हुआ, कौन बोला? तुम बोले क्यों नहीं जी, जब तुम इतना प्यार से हमारा बात सीखा तो क्या हम भी नहीं सीख सकता? हम तो तुम्हारा पन्ना बोली भी सीखा जी। सच बोलो। बोलो बोलो। अरे बोलो ना। अमीन हाँ, तुम्हारे पालो वैसी की संगत दुखी दुखी तू तो कमाल कर दिए छो मायरी और तुम्हारे भालो वैसी बहुत अच्छी है। मुझे थोड़ा चलाने दोगे? चल चल, बड़ा साइकिल चलाने वाला भीख मांगकर तो स्कूल की फीस देता है, साइकिल चलाएगा। तुम ऐसा क्यों बोलते हो? दे दू तुम्हारी साइकिल खा थोड़ी आएगा। चल बे, बड़ा है सिफारिश करने वाला, इसकी बाप की साइकिल थोड़ी है। जाने दो राजू, दुखी मत हो, जब मेरी साइकिल आई थी तो जी भर के चला लेना। ओ, ओ तू जानता है साइकिल की कीमत कितनी है? तेरा बाप तो मिस्त्री है मिस्त्री, एक महीने की पूरी पगार तेरी जाएगी साइकिल खरीदने में। साइकिल खरीदेगा, चलो चलो। साइकिल बहुत कीमती है ना, तो क्या हुआ? अरे पापा नहीं दे पाएंगे तो मैं भगवान से मांग लूंगा। क्या कैसा क्या सब क्योंकि ये क्या करता है? क्या उसने बोलता है कि मैं भगवान से साइकिल मांग लूंगा? अबे भगवान की साइकिल की दुकान है क्या? मुन्ना मैंने तुम्हें मना किया था ना कि पहले साहब के लड़के के साथ झगड़ा नहीं करना, फिर तुमने? नहीं नहीं माँ, तुमने झगड़ा नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि पापा नहीं दे सकते, मैं भगवान से मांग लूंगा। तो मेरी बात सुनकर सब हंस पड़े और मेरी बात का मजाक उड़ाने लगे। अच्छा माँ, क्या भगवान से एक साइकिल मांगने से नहीं दे सकते? हाँ हाँ, क्यों नहीं दे सकते? भगवान चाहे तो सब कुछ दे सकते हैं, मगर बेटा उनसे साइकिल नहीं मांगनी चाहिए। मैं सच बोलता हूँ माँ, अगर मुझे साइकिल मिल जाए फिर इसके बाद मैं भगवान से कभी कुछ नहीं मांगूंगा। बोलो ना माँ, मांग लो भगवान से साइकिल। अच्छा बाबा मांग लेना, शैतान कहीं का। सो गई क्या? हा? नहीं तो आप क्यों नहीं चुपचाप लेटे लेटे तुम्हारी राह देख रहा था और सोच रहा था कि पिछले 5 वर्षों में धीरे धीरे तुम मुझसे कितनी दूर हो गई हो। क्या करो, तुम समझते क्यों नहीं अब मुन्ना बड़ा हो गया है। अच्छा एक बात बताओ राधा, आज भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी? उससे भी ज्यादा, भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ। हे प्रभु, जन्म जन्म इन्हीं कदमों पे सर रख कर मर सकूं। राधा तुम्हारा ये अंधविश्वास देखकर कभी कभी सोचता हूँ आखिर भगवान है क्या, और कभी कभी ये भी सोचता हूँ। उनके बारे में सोचकर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, नहीं तो फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो फिर से छोड़ दो, जाने दो। एक बात कहूं? हाँ? अगले मंगलवार को मुन्ने का जन्मदिन है। अरे हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, उसके लिए कुछ खरीदना है ना, क्या दें उसे? राजा मेरा ख्याल है उसके लिए एक फर्स्ट क्लास पायलट का ड्रेस बनवा दें। मैंने उसे एक साइकिल देने का वादा किया है। साइकिल? साइकिल क्यों? वो साइकिल साइकिल करके रो रहा था, शाम को कहने लगा मैं भगवान से एक साइकिल मांगूंगा। अब समझा, अगर मुन्ने को साइकिल नहीं दी गई तो तुम्हारा वो भगवान छूटा पड़ जाएगा। मजाक छोड़। मजाक नहीं राधा, ये अच्छा नहीं, तुम जो कुछ कर रही हो गलत है। इसके अलावा साइकिल के दाम भी 40-50 से कम नहीं होंगे, और फिर अभी अभी प्रीतम की शादी में कितना पैसा खर्च हो गया, इससे अच्छा है उसे समझा बुझा कर कोई दूसरी चीज खरीदेंगे। तुम साइकिल खरीद के नहीं दोगे?
भैया मेरी ताकत के बाहर है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो ऐसा करो, तुम अपने भगवान से ही जाकर कहो कुछ करें, मुझे तो नींद आ गई। अरे वाह, मेरी एक बात ही नहीं मानोगे, कितनी प्यार की बातें कर रहे थे, अब मैं समझ गई तुम मुझे आजकल प्यार नहीं करते। अरे अरे सुनो तो, ए छोड़, इतना गुस्सा क्यों करती हो? अच्छा बाबा, मैं कुछ ना कुछ करूंगा बस, लेकिन कल अगर उसने भगवान से कोई मोटर या प्लेन मांग लिया तो? नहीं मांगेगा, अगर मांगेगा तो मैं उसे समझा दूंगी। समझा दोगी? अच्छा फिर चलो। नहीं क्यों, मुन्ने की नींद टूट गई तो? अच्छा, अब मुन्ने की नींद का ख्याल आने लगा। राधा, ए राधा, राधा, राधा ले आए। मैं कहाँ ले आया, ये तो तुम्हारे भगवान ने पार्सल भेजा है। मैंने तो सिर्फ बीपी छुड़ाई है 45 रुपये देकर। नहीं बेटा, बार बार भगवान से कुछ मांगेगा तो वो तेरी बात नहीं सुनेंगे, वो तुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। नहीं माँ, मैं कहूंगा तुम उस पर कभी गुस्सा नहीं होंगे, वो तो हमेशा मेरी बात सुनते हैं। नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगे, जब मैंने एक बार कह दिया नहीं तो नहीं। क्या बात है भाई? पापा, क्या बात है? कुछ बात नहीं, चलो मुन्ना हाथ बोलो। ठहरो, उसे कुछ बात करनी है, कहना। कुछ बात नहीं करनी है, चलो मुन्ना। क्या कर रही हो तुम, उसे कुछ कहना है कहने दो। क्या बात है? तुम ही बच्चों की बात। चुप चुप बोलो। पापा, तुम्हें पायलट बनना पड़ेगा। पायलट? अरे बेटा, मैं पायलट कैसे बनूंगा? पायलट बनना कोई आसान काम थोड़ी है। क्यों नहीं, अगर मैं भगवान से कहूंगा तो वो तुम्हें पायलट बना देंगे। ना हाँ, देखो ना, मैंने भगवान से जब भी कुछ मांगा उन्होंने मुझे दे दिया, अब मैं कहूंगा तो वो तुम्हें जरूर पायलट बना देंगे। पापा, आज जिंदगी में पहली बार मुझे मुन्ने पर हाथ उठाना पड़ा, बेदर तुम हो। कहाँ चले गए थे, कितनी रात हो गई? चलो खाना खा। मुन्ना खा चुका? नहीं, मैंने
ने बहुत कहा मगर माना नहीं, रोते रोते सो गया। खाना लगाओ, मैं देखता हूं। बहुत तेज बुखार है, तुम उसके पास बैठो, मैं डॉक्टर को लाता हूं। बुखार तो काफी तेज है, शायद मौसम की तब्दीली की वजह से ऐसा हुआ है। खैर इसमें घबराने की कोई बात नहीं, अब मेरे साथ चलिए, मैं आपको दवा दे देता हूं। मेरा ख्याल है सुबह तक बुखार उतर जाएगा, और हां फिर भी आप मुझे सुबह इतला करना ना भूलिएगा। मारो बाबा, मुझे देखने।